डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। द रुपी हैज बीन स्लाइडिंग फॉर सम टाइम, इट्स लॉस्ट 8% ऑफ इट्स वैल्यू। गिरावट के अलग अलग सेक्टर्स पर। रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा ढुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। पिछले 21 महीने में महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि घर का खर्च चले तो चले कैसे। मौजूदा हुकूमत जब से आई है, एक्साइज टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला कर है, केंद्रीय कर, 820% बढ़ा है। बेस प्राइस आज भी भारत में 30 रुपए के ऊपर नहीं है, उसके बावजूद 90 रुपए पेट्रोल और 80 रुपए के ऊपर डीजल क्यों? इंडिया इंपोर्टेड ओवर 85% ऑफ ऑयल एंड 53% ऑफ गैस टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। कैन ए डाइवर्स एंड टैलेंटेड नेशन लाइक अवर्स बी सो एनर्जी इंपोर्टेंट डिपेंडेंट? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on this subject much earlier, our middle class would not be burdened. Wait a minute. Who are you? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आर यू कॉमेडी मी? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचाना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मजा आया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और इनकी माँ की छूत मार रखी है, वोट के पहले इनकी गांड मारना है।